चलाइए बच्चों को आम शरारत वगैरह से हम रोक नहीं सकते मस्जिद में, और वो करते ही उनके मिजाज और फितरत का हिस्सा है। अब खेलने के ताल्लुक से मैंने एक वाकया तो सुना दिया, मस्जिद नबी में कुछ करतब दिखाने वाले बुखारी की रिवायत है, लोग आए थे और वो करतब दिखा रहे थे और आप सबने खुद देखा, मैं आयशा ने देखा और दीगर लोगों ने उसको देखा। आइए दूसरा वाकया सुनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी तवील रिवायत का छोटा हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। आप नमाज पढ़े थे, नमाज में आपसे खलल हो गया, गड़बड़ हो गई, मतलब वर्डिंग्स थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा आदमी होता नहीं वहां पढ़ते पढ़ते, वो हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान मेरे पास आ गया था और मैंने उसका गला पकड़ लिया नमाज की हालत, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को खराब करने शैतान होता है। आप फरमाते हैं, गला पकड़ लिया और मैंने उसके गले को ये ऐसा ये हाथ से जो पकड़ा तो उसका होठ मेरे हाथ को लगा और उसका लुआब गिरा जिसकी ठंडक मुझे महसूस हुई। इससे पता चलता है जैसे आदम अलैहिस्सलाम पहले मिट्टी से बने थे और बाकी सब गोश्त पोत से बने हैं, तो इबलीस शैतान भी पहला आंख से बना था, उसकी बात की नस्लें भी, चूंकि थूक में ठंडक है उसकी, थूक की ठंडक मेरे हाथ पे उसकी महसूस हुई। आसम फरमान, फिर मैंने सोचा इसको मैं क्या करता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, मस्जिद नबी खंबे से बांध दूंगा और मस्जिद के अंदर मदीने के बच्चे आके उससे खेलते खेलते, मतलब उसको छेड़खानी करते उससे, मस्जिद के सुतून से बांधता ताकि मस्जिद में मदीने के बच्चे आके उस शैतान से खेलते खेलते का लफ्ज सीधा, मतलब बच्चा थोड़ा भाग ले, शरारत कर ले, वो मशरक से मतलब जिसको कहेंगे क्या बोलते हैं, हैया सलाम हैया फलाह के बीच में भागते बच्चे सब में लंबी रहे ना, उधर से उधर भागते उधर से उधर भागते करते हैं बच्चे, इट्स समथिंग नॉर्मल। आप पूरे गल्फ कंट्रीज में जाके देखिए नमाज होने के बाद मस्जिद का क्या हाल होता, जो भी गर्लफ्रेंड है औरतें आ जाती टिफिन वगैरह लेके कॉरिडोर में बैठ जाती है और बच्चे पूरे मस्जिद में भागते रहते, इससे तो मोहब्बत पैदा होती है ना यार, उनको सुतूनों के पास गोल घूमेंगे पकड़ के, उनको अंदर जाके कालीनों पे लेट जाएंगे, फ्रिज खोल के पानी पियेंगे, खजूरें खाएंगे, वहां सब लगा हुआ रहता, इंजॉय करते, उनको लगता है चलो नमाज के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं होना, लेकिन कॉमनली असर के बाद औरतें आ जाती मगर तक बैठ रहती मस्जिद में, और कैसी बच्चों को मोहब्बत होती ना मस्जिदों से, फिर एक ऐसी जगह जहाँ वो जाते हैं रोज अपनी माँ के साथ, यहाँ तो माँ ने भी फटकना नहीं, उन्होंने भी आना नहीं बच्चों, आप समझे बहरे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने, रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।